जो है वो तो हमने WWE में अक्सर देखा है, बट क्या हो अगर हमें TNA या फिर मैं कहूँ तो इम्पैक्ट रेसलिंग वर्सेस WWE का मैच देखने को मिले। और ये चीज की जो है काफी ज्यादा डिटेल चल रही है, जैसे जैसे कि हर एक कॉमिक फैन होता है वो DC वर्सेस मार्वल का क्रॉसओवर देखना चाहता है, इसी तरीके से हम जैसे रेसलिंग फैंस जो है वो WWE वर्सेस TNA देखना चाहते हैं और ये जो हो सकता है। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइज अगर हम बात करें तो इस चीज की जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हुई, तो जैसे कि PW Insider वेबसाइट है तो उन्होंने सबसे पहले टीज किया कि WWE जो है वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है, उसी के साथ जो कि TNA की कंपनी के जो कि एक्सपर्ट्स हैं जो कि WWE को भी ऑब्जर्व करते हैं और TNA को भी करते हैं, बट जो कि मोस्टली TNA को ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने भी सेम कहा कि TNA भी जो है बहुत बड़ा प्लान कर रही है। पहले जो कि रूमर्स आ रहे थे कि WWE जो है कुछ रेसलमेनिया पर या रेसलमेनिया से बाद या फिर हॉल ऑफ फेम, इन तीन चीजों पे जो है बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है, बट वो था 1 से 1.5 महीने के बाद, इस वजह से कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी और सेम टू सेम TNA के भी स्केड्यूल्स जो कि हैं वो बैकस्टेज निकल कर आ रहे थे। तो इसके चलते चलते जो कि एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा सोचा और अभी उन्हें पता चल रहा है कि WWE और TNA यानी दोनों के जो कि ओनर है इम्पैक्ट रेसलिंग और WWE के जो कि है उनके पीछे काफी ज्यादा मीटिंग हुई थी। प्रोड्यूसर जो कि है वो कॉमनली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, WWE के इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ द मेंबर जो कि है वो भी काफी ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, बट हालांकि इस चीज को जो कि सबसे ज्यादा पॉसिबल बनाती है ये सब चीजें, बट सबसे ज्यादा जो कि पुल बैक कर लेती है ना वो एक चीज है कि जो कि राइटर्स हैं वो इन दोनों के क्रॉसओवर नहीं हो रहे। या तो अगर WWE ऐसा मैच कोई प्लान करती है TNA के साथ तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, बट अभी तक के लिए जो प्लान्स है अगर ऐसा होता है तो अभी के जैसे सिनेरियो बना हुआ तो इसके सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो किसी एक जो कि है कंपनी के जो राइटर्स हैं वो लिखेंगे शो में क्या होगा। इस वजह से बिकॉज जबकि दो बड़ी कंपनीज की जो कि एक्सपर्ट्स हैं अगर वो उन दोनों को एक साइड बिठा दिया जाएगा जो कि प्रॉपरली डिसाइड करते हैं क्या स्टोरी लाइन होने वाली है वो काफी ज्यादा जो कि है उसको रस्टअप कर देंगे। बट जहां तक मुझे लगता है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो WWE की तरफ से ही आएंगे राइटिंग में, बट जब TNA की बात करें तो TNA फ्यूड्स बनाने में जीरो है। बट ये अगर मैं रेसलिंग मूव्स के बारे में बात करूं तो इस चीज में जो कि TNA के राइटर्स हैं वो बहुत बढ़िया लिखते हैं, जैसे कि AJ स्टाइल्स के जो कि मूव्स को परफॉर्म करने की डेजिग्नेशन जो कि की गई थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, समाओ जो ऑस्टिन एरिस और ये सब बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं जो कि TNA के राइटर्स ने किया है। तो मेरे हिसाब से WWE को जो है ये वाला अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, तो अगर ये होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ क्या लगता है आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।